हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद करने के लिए बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो देखना होगा एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ पर एक टेबल लिख दी है, तो अब हम साथ साथ इसको लिखते जाएंगे और याद आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। बस एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी आसानी से। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, जिससे हम पूरी टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं, बस केवल साइन थीटा की वैल्यू से। वो कैसे निकालेंगे? आपको काउंटिंग तो आती है, सभी को आती है। चलो काउंटिंग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 तक ही हमें काउंटिंग करनी है। यहाँ पर हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 4। अब हमें क्या करना है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4। तो सबको क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है हमें? एक स्टेप आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, हमें इन पे क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है। तो फटाफट से हमने यहाँ पर अंडर रूट भी लगा दिया। अब यहाँ पर इनकी जो आप इनको सॉल्व करते जाइए और साइन थीटा की वैल्यू निकलती जाएगी। साइन 0 क्या होता है? 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0.4 क्या होता है? 0, और 0 का अंडर रूट हो जाएगा 0। साइन 0 डिग्री क्या हो गया? 0। अब ऐसे ही 1/√ के अंदर 1/4 है, तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1, और 4 का क्या हो जाएगा? 2। 1/2 क्या हो गई? साइन 30 की वैल्यू हो गई। अब √2/2, लेकिन हम साइन 45 के लिए √2/2 नहीं होती है। हम 2 को क्या करेंगे? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2/√2 हम लिख सकते हैं। तो √2 से एक √2 डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 1/√2। अब यहाँ पर √3 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1। अब इसको याद रख लिया आपने तो बस पूरी टेबल आसानी से याद हो जाएगी। अब कोस निकालना है हमें, तो इसका क्या कर देंगे? हम इसको उल्टा लिख देंगे, जैसे कि साइन इस पीछे से हम यहाँ पर लिख जाएंगे तो हमारा पूरा कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम 1, फिर साइन कोस 30 हो जाएगा, साइन 60, √3/2, 45 क्या रहेगा? साइन 45 और कोस 45 सेम रहेगा। इसके बाद 1/2 और कोस 90 क्या हो गया? 0 हो गया। अब 10 निकालना है, तो 10 क्या होता है? साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/√2/√3/2 क्या हो जाएगा? 1/√3। इसके बाद 1/√2 और 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और √3/2 को और 1/√1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन होता है, तो हम यहाँ पर नॉट डिफाइन की जगह लिख देते हैं इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब इसी का रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कोट थीटा। एक एक स्टेप ध्यान से देख लीजिए, पूरी टेबल बहुत ईजी से बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। तो हम इसको रिवर्स में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? 0। कितनी आसानी से बन गई हमारी कोट थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालनी है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos, 1/cos यानी कि कोस को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। 1 तो 1 का उल्टा भी क्या हो जाएगा? 1/1 क्या होगा? 1 होगा। √3/2 को हम लिखेंगे 2/√3। 1/√2 को हम लिखेंगे √2/1, मतलब √2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दिया हमने। और यहाँ पर कोस 90 डिग्री क्या है? 0। 0 का हम उल्टा क्या करेंगे? इन्फिनिटी कर देंगे। 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0। इसके बाद हमें निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि अब यहाँ पर पहले कोस का उल्टा किया था, अब साइन को उल्टा कर देंगे। जैसे कि 0 का उल्टा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। √1/√2
तो हम क्या लिख देंगे अभी टू रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट टू, तो रूट टू अपॉन वन यानी कि रूट टू, रूट थ्री बाई टू यानी कि टू बाय रूट थ्री, और इसको यानी कि कुल मिला के यहाँ पर इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इन्फिनिटी हम हमने अब लिखा, फिर टू लिखा, फिर रूट टू लिखा, फिर टू बाय रूट थ्री लिखा, और अब क्या लिख देंगे हम वन लिख देंगे। तो गाइस देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ पर टेबल हमने पूरी याद कर ली है। ऐसे वीडियो जानने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।